अस्सलाम वालेकुम, बोलो वालेकुम सलाम, बोलो बोलो वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मैं हां मोहम्मद शहजाद, तो सडे पे YouTube चैनल वेला मुंडा। टाइम थिंदा पे सुबह 10:05 इस टाइम असा मौजूद है सवात तो अगा ख्वाजा खेला में मौजूद है। इरात असा इस खान साहब दे कोलो स्टे कीते से, गड्डी सारी ओ सामने गैराज च खड़ी थई, गरम गरम चाय, ऑमलेट, चपाती, नान, असा मंगोरा दे विचो ए वाला कोट की दास है, क्योंकि जिथा आज असा हुन असा इस टाइम वेंदे पे घंटे दे विच पहुंच वेसु, उता फुल बर्फबारी हो सी, इंदी कैप भी है पई, बर्फ ढासी भी सही, तसाडे सिर दे उते ना सी, इदो गर्दन भी कवर है पई, वाला काल मेरे को जड़े बूट है ना सिंपल मेरे पुराने बूट है, बर्फबारी दे ते नहीं चलदे, ता जिंदगी अचानक तक मैं जोगर नहीं पाते, वाला मैं घिन आया नवे जोगर, जोगर आपकी पेशे खिदमत है, चेक कीजिएगा ब्रांड। हले तुसा कमेंट लाज मेरे साए कितने दे होसन, पता लगदा थारे आईडिया दा, कमेंट जे भी दे साए जोगर ठीक भी हन जा कोई ना, मेरे जोगर की में लगते पैन ए लंडे दा कोट, सॉरी लंडे दा नहीं ब्रांड है भाई जान, कड़ा घिंदे इजाजत था, शुक्रिया, चला फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। अच्छा मैं वैसे ये चीज नोट की थी, सवात जितना ज्यादा हुसन नहीं वे बुढड़े बुढड़े भी है ना, उन्हें दा चेहरा मुबारक माशाल्लाह रेशम की तरह नूरानी चेहरे नहीं था, दी दे डैशबोर्ड दे सारे लिफाफे पैन इना को तले सटू, ओके आवन दे आवन दे आवन दे आवन दे आवन दे आवन, ये सामने नाली है ना, टायर बेचना लगा वंजे, ठीक है ठीक है ठीक है, सीधे सीधे जान दो जान दो जान दो, मेनू लेके जाना जे, मेनू लेके जाना, अल्लाह की कसम मेनू लेके जाना जे, ओए होए केक माल्टा फ्रूट ते केक ना कोई जोड़े। मैं अपने अम्मी दे हाथ दी चोपड़ी हुई रोटी, मतलब अम्मी दे हाथ दा नाश्ता बहुत ज्यादा मिस करंदा पिया, मैं अपनी मिसेज दे हाथ दा नाश्ता मिस करंदा, ओए हाले अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल फिट है भाई, फाटे पे फटे पे, हमने ये पहाड़ खड़े हुए थे रात असा, ओ जिथा नीली थो टैंकी नजर आंदी पी, उथा असा गुजारी से, ये एक गांव है पिया, सलाम करके जाओ, क्या नाम है आपका? गेट चेक करो, लकड़ी दे गेट हैं, तकरीबन मैं इतना नोट किया इतना कमरे भी लकड़ी दे पे, क्योंकि बर्फबारी वाला इलाका है ना, तो लकड़ी हमेशा गर्म थी, लकड़ी दे मिट्टी पाती हुई है, सा तकरीबन एक घंटे के बाद इंशाल्लाह बर्फबारी वाले इलाके पहुंच वैसे, मैं बड़ा बेताब थी आखना के बर्फबारी देखा, बर्फबारी थी देखा, बर्फबारी कितनी दूर है यहाँ से? 40-45 किलोमीटर के बाद शुरू होगा, जिस तरह हमारे पास बारिश का एक टाइम होता है, ये भी बारिश की तरह आती है, बारिश के साथ ही आती है, जो पहाड़ इलाका है ना, बारिश के साथ ही आती है, इधर बारिश शुरू हो जाती है उधर बर्फबारी शुरू हो जाती है, अच्छा अच्छा, जब आपके पास यहाँ बारिश, जहाँ हमारे पास बारिश शुरू होती है वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है, गड्डी भी नान कस्टम है, पिछले लिखा है टाइगर वन, इतना कोई नंबर नहीं गड्डिया दे, महंगा गड्डिया बहुत सस्ता है, इतना ये मालाखंड डिवीजन दे मजे ही वे, चार दीवार ड्राइव की थी है हसनैन भाई ने, आज ड्राइव करें थे पेन प्यारे मामू जान, स्क्रीन साफ कोई नहीं, स्क्रीन को साफ करना लाजमी है, क्योंकि जले स्क्रीन साफ हो सी तब कैमरा का रिजल्ट अच्छा आ सके, ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, सामने बहु उच्च उच्चे पहाड़ ते बहु वीआईपी मंजर ही वे, थई मामू जी सॉन्ग थी वंजे, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, लेकिन अगो इना को सुनांगे, अगो रोकी खड़े ना सा को पहले ना जी सुन गिनो पहले, ये सब क्या आदत है, पैसे पैसे देवने नहीं रखो, छो ना कितने पैसे है ना, वालेकुम सलाम, कितने पैसे, ये किस चीज के पैसे है भाईजान, बहरीन कालम इन रुपीस है, हां जी बहरीन कालम इन रुपीस है, बहरीन कालम इन दिखाए मामू, कलाम, अच्छा कलाम कलाम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, आए दरिया ही वे उच्च उच्च पहाड़न, उत्तू बदल ही वे बहुत गहरे गहरे, फाइनली ऐसा इस टाइम बहरीन पहुंच चुके हैं, सामने बहरीन होटल, जैतून रेस्टोरेंट, जैतून दे भी होटल होना, जी जी जैतून यहाँ खाया जाता है, अभी सिर्फ चंद मिनट के बाद बर्फबारी हमें देखने को मिलेगी, ओए ओए क्या खूबसूरत सीन है यार, माशाल्लाह पहाड़ों की चोटी पे देखो धुंध, ओ फुल धुंध है, ये बादल नजर नहीं आ रही है, धुंध नजर आ रही है, मैं बेताब हूँ बर्फ को हाथ में पकड़ने के लिए और आपको मारने के लिए, और मैं इतना बेताब हूँ आप सोच भी नहीं सकते, आप क्या बेताब है भाइयों, जी बेताब है, रेडी रेडी गो, क्या खूबसूरत खूबसूरत होटल है यार, मैं तो देख के पागल होता जा रहा हूँ यार, खूबसूरत पहाड़ है यार, बाकी गाल तो ठीक है, लेकिन एक जेले इथे पहाड़ा दे विच गड्डी मुड़दी है ना, इड्डे उड्डे कट मरेंदी है, तल्ले आंदी है, उच्चे आंदी, मेरे को उल्टी आवन फील थींदी है, ठंडी हवा आंदी पे बारो हाथ मेरा ठंडा वेंदा है, पहाड़ा दे विच चक्कर आंदे यार, चक्कर क्यों आंदे पहाड़ा दे विच, रोड के लेन में केवल लेन में दस वालों चक्कर आंदन वाला, 5-10 मिनट सफर किया से पहुंचे हैं बड़ी खूबसूरत जगह ते, अल्ले क्या खूबसूरत माहौल है, क्या खूबसूरत जगह है और क्या खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं,
अंकल जी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। उल्टी आना फील थी नहीं पी। जी शहजादे मेरा भी अपना थोड़ा जना हां फिरता खड़ा। मेरा अपना हां फिरता खड़ा। उबड़े एक भी आ देखना जग जले उल्टी आंदे ना बंदे को उबड़े का आंदे। लशे मैं को आंदे लशे यार ए वाहे दीवे असा जले बीमार थी ने ए लोशे लोशे कर देवे। यो तो चासे पे पहाड़ा। जी हां मेरी तबीयत खराब। अच्छा सर पास थोड़ा त्रै बंदे उल्टी आंदी पीते डू ठीक कर लोशे। जगह बहुत प्यारी था टिकटॉक बनाओ। इतनी ठंड दे ठंडा ठंडा माल्टा ओ भी हां स्वाद आला सारा माल्टा नहीं है। बर्फबारी जुलो ना जुलो यार बर्फबारी देखने वास्ते मैं बेताब हां यार मामू यार शरद भाई एक टिकटॉक बनाओ जा अपने नाल टिकटॉक बनाओ आओ आयो सिर्फ एक तरह वंजणिया आयो सिर्फ एक तरह वंजणिया जी ओ सिर्फ टॉप पे सारा हां मैं ठहर वाले। आप कहां से आए हुए? गुजरात से। अच्छा गुजरात से माशाल्लाह। सारे मम्मी डैडी हैं आप तो? मम्मी डैडी है जी नहीं नहीं आपने गेटअप तो मम्मी डैडी वाला अपने आया हुआ है। हम तो दूर से पता लग रहा ना टोपियां शोपियां से नहीं इतने को मम्मी डैडी का फायदा भी है बहुत कम सेट हो जाता है। बाबा जी छड़े जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत शुक्रिया। मैं यूट्यूबर हूँ वेला। अच्छा जानते हो मुझे? हाँ जी देखो कमाल। थैंक यू सो मच। आपको दिया जाता है खूबसूरत गिफ्ट। वो कौन सा? वो मैंने जस्ट वीडियो में बोला मैं दे नहीं रहा। ये GTS हमारी एक पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी। अच्छा नहीं आप पार्टी उसको छोड़ना आप अपने सिटी का नारा लगाओ ना गुजरात का टाइगर फोर्स हो। माशाल्लाह वैसे आप टाइगर थोड़ा से माड़े हो थोड़ा खाया पिया कर टाइगर थोड़ा थले जा रहे हैं। जोगर जड़े ना काफी गर्म है इन पे मामू। असा ऊ सामने वाली पुल उत्ते बजना चाहते पे वो सारी पुल स्टील दी पुल है ना। सर्दी हुण बहुत ज्यादा थींदी वंदी है जिप में बंद कर की दी कार ओ उत्ते खड़ा है तो बस खड़ी है पुल उत्ते मामू तो डारी वडा लग सी यार। बाकी ये स्टील दी पुल है भाई। आओ क्या पुल है मामू हल्दी पई वे ओए नो अल्लाह दी कसम ना मामू अल्लाह दी कसम हल्दी यार ने छड़े ना ये हल जा खड़े तो गौर ना देखो मैं कैमरा एक जगह से स्टेबल करे ना देखो हल जा खड़े। ये खतरनाक पुल है भाई। ये सर्दी हो कितनी ठंडी चलती पे रब जाने परदेसी वतना दे क्यों नहीं वलदे वतना दे क्यों नहीं वलदे वतना दे क्यों नहीं वलदे। सारा चीजा छोड़ो बर्फबारी जलो मेरा दिल देख रहा मैं बर्फ चाह चाक थो मारा। मोटे मोटे संगल है जिन्हें उत्ते सारी पुल खड़ी है थी। थोड़े से हाथ सेक लो क्यों नहीं यार हाँ बैठो 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 नहीं नहीं खा नहीं आप बड़े हैं नहीं अब ये पड़ा मैं इधर बैठ जाता हूं। धुआं आता है ना। अच्छा हां धुआं आता है सामने बैठे। थैंक यू खान जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया। चाय पिलाए गरम हो जाओ। नहीं थैंक यू सो मच चाय आपकी तरफ से हो गया। इठे इथू दे लोका दा इखलाक कितना प्यारा है पिया मतलब मैं उन्होंने फर्स्ट टाइम मिलता पिया। ए मेरे कोई व्यूवर भी कोई ना मैं कुछ जानते कोई ना लगे ना इखलाक चेक करो तुसा मीठे लोग हैं मीठे। ये नक कन्ना जना ये निकलिया नथूड़ा ये ठंडिया थिया वजन अंगली ठंडिया थिया वजन। दरअसल मैं दस्ताने घेन आमना भूल गया। 1 2 3 गो। मेरा मामू जीत गया मेरा मामू जीत गया। रास्ता काफी खराब ही सीधा जिका थी कि तो इन से सा। जी खान जी ये नहीं हमने नहीं लेना है खान जी कसम से नहीं लेना है। नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया मेरी तबीयत खराब है। अल्लाह दी कसम है मैं मेरी माँ था पोतरा मेरे को नहीं चाहिए जबरदस्ती बेचने लग पे मैं इन्होंने चीजों का पता भी कौन कि ये क्या भी चाहते बदन जो शायद मैं पता ही कौन क्या पता उन्होंने रोग पिटे ना तो लिया कि मैं मना करे प्यार नो मने दे नहीं जितना एक लड़का कोई नहीं कोई ढेर सारे मैं थोड़ा दिखा सा जितना इन्होंने रिक्वेस्ट करो कि ऐसा नहीं खींदे मिनता रिक्वेस्ट करने लग पे नहीं ले लो टाइम ठीक है पूरे हेक का। माशाल्लाह क्या खूबसूरत पहाड़ है मामू जी बर्फ उतर चेक करो मजा आ गया बर्फ
बर्फ वाले दूर देखने को सबको मिलती पी है सामने वाले पहाड़ दूते बर्फबारी थी पी वे जिठे वे बिल्कुल व्हाइट व्हाइट नजर आता पे इसे पहाड़ जैसा इंशाल्लाह चोटी दिवेंदे पे मैं आता के वन की को टच करूं ये खान जी नहीं चाहिए यार नहीं चाहिए तेको मेरी माँ वास्ते तेको तेरी माँ वास्ते खान नहीं चाहिए यार नहीं चाहिए आप ऐसे रिक्वेस्ट क्यों करते हो यार मजबूर क्यों करते हो आप मैं कसम से मरोने लग जाऊंगा मैं रोने लग जाऊंगा कौन आप क्यों जबरदस्ती देते हो यार ये है क्या चीज यार मेरी कसम से तबीयत खराब है यार अल्लाह की कसम तबीयत खराब है खान ओए अल्लाह पाक दी कसम मेरी तबीयत खराब है यार खान खान जबरदस्ती कहां से तुम्हें यार क्यों बच्चा यार मुझे एक बात बताओ ये जबरदस्ती आप क्यों बेचते हो यार मैंने नहीं खाना मेरी तबीयत अल्लाह की कसम खराब है खान जी कसम खुदा की मेरी तबीयत खराब है आपको पैसे चाहिए मैं पैसे दे देता हूँ प्लीज ना भाई नहीं आप छोटे भाई हो मेरे पैसे चाहिए मैं पैसे दे देता हूँ पैसे दे अच्छा रुको मैं खड़ा ये आप रख लो बस 30 रुपए रख लो नहीं ये नहीं ये नहीं चाहिए ये दो ना बेटा वही थे ना 30 रुपए थे वो दे दिए 10 रुपए इसको देना बेटा 10 रुपए उससे ले लो 10 रुपए उससे ले लो और मेरी कहाँ सुनेगा यार नहीं सुनेगा ना मेरी नहीं मानेगा करीब करीब बर्फ है यार थोड़ी थोड़ी है रहता ले थोड़ी जी बर्फ देख के बहुत खुश थी गया 5-6 मिनट बाद ऐसा बिल्कुल ही बर्फ दी आगोश है चपड़ वैसे ओ बर्फ बर्फ ताजी बर्फबारी थी पई यार माशाल्लाह मम रुको ही था नहीं रुको रुको थोड़ी देर तक थोड़ी देर बड़े प्यारे सीन है प्यारे सीन आसन जितना फुल बर्फ है उठा रुकना यार इधर को ये सामने बर्फ ही है भाई मैं थोड़ी थोड़ी बर्फ को देख के बहुत ज्यादा खुश थे गया मैं ओ माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान ये ताजी बर्फबारी हुई है जी बिल्कुल ये फिर बर्फबारी होएगा आज नहीं ये नहीं लेना नहीं लेना यार नहीं लेना यार नहीं ये था आल्टो तो नहीं आया बदे मैं आधा में शायद मेरी आल्टो ना पहाड़ अंदर ना असल के आल्टो तो आ गया एक पतीसे का पैकेट गिदे से 5 दे दो ये 5 मरूंडे दे दो ये कौन सी जगह खान जी ये कलाम है कलाम में पहुंच चुके ए ओ वाओ क्या बर्फ है यार गड्डी स्लिप कर दी थी आपको गिफ्ट है जाना जाना मैं स्लिप हो रहा हूँ पकड़ो थैंक यू अल्ले अच्छा देखो कितना खूबसूरत होटल ही वे पिया असा इस होटल दे विच आज राती स्टे करे सु ता हाले तक बर्फबारी खोथी नहीं कोनी पे इंशाल्लाह असा वेदर दे ते चेक कीता से बर्फबारी दे आज शाम तक 95% चांस है पे दुआ करो बर्फबारी थीवे स्नोफॉल थीवे ते थोकू दिखाऊं ते स्नोफॉल है इंशाल्लाह एंजॉय भी करे सु मामू जी ना अल्ते ना मामू ना मामू लग रहे सी यार खड़ चा खड़ मामा बात मामा बात पिट्टी ना मामा गाल छोड़ गए ना मामे भड़े मामे भड़े चली गाल मामा मुंह तला मार मामू मामू मुंह तला मार मामू कान ने तुम्हारी भी ये होटल सारा लकड़ी का बना हुआ है क्या ओरिजिनल दयाल दा होटल ही वे माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक दे कितने खूबसूरत नजारे हैं पे मामू मामू तक भणे जदी कसम भी पाकिस्तान जिंदाबाद ओ वाओ वाओ वैसे इतना गड्डी बहुत ज्यादा स्लिप करे दी पिए ते असोड़ वेंडे पे खाना खाण क्योंकि शदीद भूख लग चुकी है यार मेरा दिल करंदा मैं इस बर्फ दे विच ना लेटने मारा ए रे हुण इथा खुब गए अल्ले हे हे ओ स्लिप करेंदी वेंदी पिए गड्डी मजेदार मजेदार खाने पकदे पेन ए खाने खाने है ये सामने ग्रिल ए ओ जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े वीआईपी वीआईपी खाने ने पे जबरदस्त ओ वाओ वीआईपी रोटी आ चुकी है ते मेरे फेवरेट चावल रोटी तो मैं ना खांदा मैं चावल ही खासा क्योंकि चावल जिथे चावल आवन में मैं कई चीज नाल कॉम्प्रोमाइज को नहीं करदा पर अटवर लड़ाई थी वैसे मेरी गल सुन रोटी खाओ हट बंद मड़ ओए होए होए इडू बर्फ चेक करो यार तसा जिंदगी स्नोफॉल थी दी नहीं दिठी तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ताकि मैं तो स्नोफॉल थी वे तो दी वीडियो बनावा उंदी एंजॉय करा इंशाल्लाह अल्लाह पाक जेड़ा ना वेदर वेदर रिपोर्ट है भाईजान जी 95 वेदर रिपोर्ट दते 95% चांस है पैके स्नोफॉल थी सी लेकिन फिलहाल थई कोई नहीं तो माशाल्लाह 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 यार ए सीन ना मैं जिंदगी तस्वीरें च दिठाई वीडियो च दिठाई फिल्म च दिठाई आज जिंदगी च पहली दफा लाइव देता पिया माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत पहाड़ क्या खूबसूरत बर्फ है यार माशाल्लाह ओ चोटी दूते जलो उठा मान के वीडियो बनाओ तस्वीर बनाओ
ਬਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਦੇ ਵੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਝੂਮਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਚਾਰਾ 15 ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਾਂ ਝੂਮਰ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਫੁੱਲ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਆਖਣੇ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਆਖਣੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਮ ਹੈ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਇਤਨਾ ਭੱਜੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਮਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਥੀਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਰਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਖਰ ਪੈਂਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ 6:06 ਅਤੇ 6 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਹੈ ਪਿਆ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਸ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਠੀਕ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਵਿਊ ਵੀ ਵੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਹ ਪਿਆ ਸਰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਥੀ ਪਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੀਟਰ ਰੂਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸਾ ਐਸਾ ਗਰਮ ਥੀਂਦਾ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਇਨ ਪੇ ਇਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੈ ਲੋਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਬੋਨ ਹੈ ਬਰੱਸ਼ ਹੈ ਪਿਆ ਛੋਟੀ ਸੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਬਰੱਸ਼ ਦੀ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੋਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਾਬੁਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵੀ ਆਈ ਪੇ ਜਨਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਟੁਰੇ ਵਜੇ ਨਾ ਟੂਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨੋਫਾਲ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਓਹੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਵੇ ਸਨੋਫਾਲ ਸਾਰੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਥੀਂਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਥੀ ਗਈ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਥੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਥੀਂਦੀ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਅਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੁਬਹ ਦੀ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਥੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ